हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज द सेकंड वीडियो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिएगा। ये सेकंड वीडियो है क्योंकि फर्स्ट वीडियो बहुत आई वुड से कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। सो पहले उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ये देखना है। फर्स्ट वीडियो की डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो आप चैनल पे जाके वहां पे एक बार सर्च कर लीजिए, या फिर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे देख रहे हैं फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अदरवाइज आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प। सो आई एम सी ए पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की अकाउंटिंग। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि सर ये अकाउंटिंग है क्या, व्हाट इज दिस, मतलब पढ़ने के हवाले हैं अकाउंट्स में ये क्या चीज है। हमने तो आज फर्स्ट टाइम समझा है, जब तक हम 9th 10th में पढ़े थे तो 9th 10th में तो सब कुछ वही सब चला आ रहा था इतने सालों से, क्या केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ्स, वही सोशल साइंस, सब कुछ वही था। ये अकाउंटेंसी क्या नई चीज आ गई। अकाउंटेंसी का मतलब है अकाउंट्स बनाना। अब अकाउंट्स बनाने का मतलब क्या है, इसको ना बहुत अच्छे से समझेंगे। जब हम कुछ स्टडी करेंगे ना, हर चीज को पढ़ाने के दो तरीके हो रहेंगे। पहला मेथड होता है कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, सिर्फ मैंने अकाउंटेंसी बताने में मुझे 30 सेकंड्स लगने हैं। पहले मेथड में मैं आपको बताऊंगा, आपको लगेगा ओके, फिर आगे से करना पढ़ना शुरू कर देंगे। सो वो हम अप्रोच नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्रैमिंग हो जाएगी, रटना हो जाएगा। एंड आई डोंट वांट कि आप किसी भी चीज को क्रैम करें। बात क्लियर है। सो 30 सेकंड्स में पता है कैसे बता सकता हूँ, आप जब भी कुछ सेल करते हो या कुछ परचेज करते हो ना, जब भी पैसे में ट्रांजेक्शन करते हो उनको अकाउंटिंग है। उसको जब मैं लिख लेता हूँ ना अपनी कॉपी में, जब भी कुछ परचेज करा, कुछ सेल करा, मैंने उसको कॉपी में लिख लिया, तो ये अकाउंटिंग है। समझ में आया ना। बट इतने में हमें नहीं रुकना है, हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो आज की क्लास में ना, जितनी भी क्लास होने वाली है, ये 30 सेकंड वाले कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आई डोंट नो कितनी लेंथी होगी, डजंट मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक क्या होता है, आपकी घर के पास में या आपके फादर भी, जितने आप हैं उनमें से मैक्सिमम के फादर या तो जॉब में होंगे या फिर किस तरह से उनका अपना कोई ना कोई बिजनेस या कोई शॉप, इस तरह से कोई ना कोई वर्क रहेगा। ठीक है, जिनके जॉब में है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनके बिजनेस में या जिनके अपनी शॉप है, तो वो कुछ ना कुछ सेल परचेज करते हैं ना, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास इनकम आती है। तो क्या वो हिसाब नहीं रखते होंगे कि उसका, रखते हैं कि मेरे पास कितने पैसे आए कितने पैसे गए। जो सैलरी एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब जिनके फादर सैलरी पर्सन है, तो आपके मंथ में एक बार फिक्स सैलरी आती है, नॉर्मली आपके मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाती है। आपके पेरेंट्स आपके घर पे बजट बनाते हैं, मतलब एक देखते हैं कि मेरे पास इतनी सैलरी है। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 30,000 रुपीज आए, तो 30,000 रुपीज अभी कहाँ कहाँ स्पेंड करने, ऐसा एक रफ बजट बनाते हैं। सो वो भी क्या कर रहे हैं, पैसा कितना आया और पैसा कितना गया उसको नोट डाउन कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको क्या करा है, 10,000 रुपीज दिए। ठीक है, मैं देने नहीं वाला हूं, आप सिर्फ सोच सकते हैं। ठीक, 10,000 रुपीज मैंने आपको पे करे दे दिए। ऐसे मैंने कहा, देखो 10,000 रुपीज रखो, इसमें से ना कुछ मैंने आपको काम दे दिया। मैंने कहा एक मेरे लिए क्या करना, देखो आप स्टूडेंट हो ना, इतना काम तो कर सकते हो, मेरे लिए दो कॉपी ले आना, एक बुक ले आना, और 500 रुपीज आप अपने लिए स्पेंड कर देना, बाकी पैसे मुझे लाके वापस कर दो। ठीक है, सो आपने 10,000 रुपीज लिए, मार्केट में गए। अभी ठीक है, बुक्स वगैरह कॉस्टली वाली थी। ठीक है, सो 10,000 रुपीज थोड़े ज्यादा हो गए, डजंट मैटर। आप मार्केट में गए, कॉपी लेने गए, बुक लेने गए, उसके बाद आपने अपने ऊपर 500 मैंने बोले थे, आपने 1,000 रुपीज एक्सपेंड कर दिए और मेरे पास आए, मुझे लाके आपने फॉर एग्जाम्पल 6,000 रुपीज रिटर्न कर दिए। मैंने कहा 6,000 रुपीज, 4,000 कहाँ स्पेंड कर दिए। अपने कहा सर ये सामान लेके तो आया हूँ ना, मैं अभी कॉपी लेके आया हूँ, मैं ये बुक लेके आया हूँ, और ठीक है मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा यूज कर लिए, आपने मुझे 500 कहा था, मैंने 1,000 रुपीज अपने ऊपर खर्च कर दिए। जब मैं स्पेंड करने जा रहा था ना, मुझे पता नहीं चला कि अरे खर्चा ज्यादा हो गया। लेकिन चलो वो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कर दिया तो कर दिया है अभी। बट स्टिल आपने मुझे 6,000 दिए, 1,000 का आपने मुझे बता दिया कि आपने अपने ऊपर स्पेंड करे, बाकी के 3,000 रुपीज कहाँ गए, क्या मुझे हिसाब चाहिए। सो यू विल टेल मी कि सर मैं ये वाली कॉपी लेके आया हूँ, ये मेरी 1,000 की आएगी, ये वाली कॉपी 1,000 की आएगी, और ये बुक 1,000 की है, समथिंग लाइक दैट। सो आप क्या कर रहे हैं, मुझे सारा का सारा हिसाब दे रहे हैं। यू आर टेलिंग मी व्हाट ट्रांजेक्शन यू हैव डन, आपने कहाँ कहाँ पैसे को यूज करा, यू आर टेलिंग मी दैट, यू आर गिविंग मी एवरी ईच एंड एवरी डिटेल। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। आप अभी पूरी तरह से नहीं बताया मैंने, ये एग्जैक्ट अकाउंटिंग नहीं है, बट स्टिल उससे रिलेट कर रहे हैं।
फाइनल अकाउंटिंग इतना मत करना कि यहाँ तक की वीडियो देखी और इतना ही माइंड में फिक्स कर दिया कि अच्छा सर इसको अकाउंटिंग कहते हैं क्या, और कल को जाके किसी को बता रहे हो कि मैं सीए बिजनेस का सर ने पढ़ाया था, सो वो कहेगा कि नहीं गलत है, अब सर वो सीए है उन्होंने ऐसा बोला, गलत कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, पूरी वीडियो देखो, हाफ नॉलेज वेरी डेंजरस। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे आपने मुझे हिसाब दिया, मैंने कहा कि ठीक है मुझे हिसाब आपने दे दिया, बात कर लेंगे। जब शॉप पे जाते हो, आपके पेरेंट्स की शॉप होंगी या गली में कोई ना कोई तो शॉप होगी ना, जहां पे जब आपने कई बार देखा होगा आप उनको पेमेंट करते हो, या कभी कभी जब आप उधार में माल लेके आते हो, सामान उधार में परचेस करते हो, लाइक जानने वाला होता है तो कभी आप कहते हो ना कि ठीक है मेरे हिसाब में लिख लेना मैं बाद में पापा पे कर देंगे, ऐसा समटाइम्स इट हैपेंस। आपने कभी कभी देखा है ना वो कॉपी निकालते हैं नीचे से, अपने ड्रॉअर में से कॉपी निकालेंगे, एक पेन लेंगे और कॉपी में ना कुछ लिखने लगते हैं, मतलब एक पेज पे इतना सारा कंटेंट लिखा होता है, कहां क्या लिखा है समझ में नहीं आता, बट वो सारा हिसाब लिख रहे होते हैं। और जब आप कुछ टाइम बाद जाएंगे ना, वो पूरा बता देते हैं आपसे इतने पैसे ले लेते, वो कहेंगे कि नहीं मुझे आपसे, मतलब जब आप लेने जाओगे ना तो आपको कि बताओ कितने पैसे देने थे, वो कहेंगे 3000 रुपीज देने थे, सो आपको 3000 कैसे, वो पूरा का पूरा हिसाब बता देंगे आपको। तो उन्होंने क्या करा, जितनी बार आपको बेचा उतनी बार उसको लिखा, ठीक है, और एक चीज समझो, अगर वो उसको नोट डाउन ना करते, उसको लिखते नहीं, तो कल को कितना कंफ्यूजन होता, क्यों उनके पास सिर्फ एक कस्टमर नहीं है, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर है, किस किस का याद रखेंगे। सो वहां पर उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात क्लियर है ये वाली? सो कंसेप्ट ओके है कि हमने क्या देखा, किस तरह से डन, मतलब जब उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया उसको नोट डाउन करना। सो ये भी मेरा क्या है, अकाउंटिंग ही है एक तरह से। मैं क्या कर रहा हूँ, शॉपकीपर ने क्या करा है, मतलब मैं इन द सेंस शॉपकीपर ने क्या करा है, जितनी भी सेल करी, जितनी भी परचेज करी, उसको सबको कॉपी में लिखता गया, और बाद में उसने बायफर्गेट कर दिया, इस पर्सन से इतना लेना है, इस पर्सन से इतना लेना। जब आप उसको शॉपकीपर को 3000 दे दोगे ना, वो उसमें से 3000 माइनस कर देगा, कहेगा कि आपका हिसाब फिनिश हो गया, अभी आप मुझे कोई रुपए नहीं दोगे, आपका कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है। दिस इज ऑल्सो अकाउंटिंग। बात समझ में आई, क्लियर है? जो डाउट्स होंगे बिना झिझक के देखो, ये वाली जो क्लासेस है ना बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है, मतलब इन द सेंस मैं इस चीज में बहुत ओपन हूं, और मैं तो ये कहता हूं, देखो कई बार स्टूडेंट्स डरते हैं, आई डोंट नो व्हाई, टीचर्स की गलती है, स्टूडेंट्स की गलती है, किसकी गलती है, बट मेरा तो मानना सिंपल सा है, आप बड़े लेवल वाले डाउट्स पूछो ना पूछो, जो सिल्ली डाउट होते हैं ना, बिल्कुल बेसिक जिसपे हंसी आ जाए, वो वाले डाउट जरूर पूछो मुझसे, आई प्रॉमिस मैं कभी भी उस चीज पे नहीं हंसूंगा। आप अगर मुझसे ये पूछ रहे हो ना कि सर 5 + 2 = 7 कैसे होता है, तो मैं वो भी बताऊंगा। अब रीजन क्यों है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपको बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं आया तो ठीक है, बस उतना नहीं आया बाकी आप कर पा रहे हो, बट अगर आपको 5 + 2 = 7 ही नहीं आता, तो पूरा अभी आप आगे मैथ्स पूरी अकाउंट्स कैसे कर पाओगे। सो जो सिली क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आस्क्ड, आप उससे वो क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा करो। क्लियर है वाली बात? सो अकाउंटिंग का ये बात समझ में आया ना। अभी एक चीज दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, कि वो शॉपकीपर ने जो कुछ भी उसमें लिखा था, जितना भी उसमें नोट डाउन करा था, वो सिर्फ उसको समझ में आ रहा है। मैं जब उसको कॉपी देख रहा हूँ ना, मैंने कहा भैया कॉपी दिखाना, उन्होंने कॉपी दिखाई, मैंने कहा मेरा हिसाब बताना, उन्होंने बताया, मैं कह रहा हूँ कि सर समझ में तो आ नहीं रहा इसमें कहाँ पे क्या लिखा है, फिर वो मुझे समझाने लगे, देखो ऐसा ये जो है ना, यार देखो आपने पहले 500 का लिया था, फिर आपने 200 का लिया था, फिर 300 का, मतलब ही हैज टू एक्सप्लेन मी, उसके बिना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे क्या चीज कह रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो मतलब लिख तो सारा रहे, अकाउंटिंग तो पूरी कर रहे हैं, मगर उनका कोई भी अपना स्ट्रक्चर्ड मेथड नहीं है, वो जैसा मन कर रहा है वैसा लिख रहा है, जहां पे जो मन करा उस जगह लिख दिया, एक पेज पे मन करा एक पेज पे पूरे दिन के लिख दिया, एक पेज पे मन करा एक पर्सन का लिख दिया, जैसे जो मन करा उन्होंने लिख दिया। कॉपी बचानी, थोड़ा सा पर्सन को लालच आता है कि मुझे कॉपी भी बचा के चलनी है, तो कुछ छोटे छोटे छोटा लिख देगा, कोई पर्सन है कि नहीं मुझे आराम से क्लियर कर दिखना चाहिए तो बहुत खुला खुला लिखेगा। तो अपने अपना हर किसी का हिसाब होता है, दे डोंट नो हाउ टू राइट प्रॉपरली एज पर अकाउंट्स। बात समझ में आई ना? बट इतना तो आप भी कर सकते थे ना, किससे कितने पैसे आए कितने गए, इतना हिसाब तो आप भी कर सकते थे। और अगर आपकी शॉप रही होगी तो आज तक आपने करा जरूर होगा, ये कभी ना कभी देखा होगा, करा होगा, ये पापा को करते देखा होगा, आपको इतना आइडिया होगा। सो उसके लिए 11-12 में अकाउंट्स पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, वो तो वैसे भी कर लेते। हम क्या करने वाले, वो बहुत बेसिक है, अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसमें कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, हम उन चीजों को बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, वो ही सब करेंगे, हम भी मुनीमगिरी करने वाले। अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, मुनीम कहते हैं,
ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी क्या कहते हैं, तो जो पढ़ा लिखा मुनीम है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कह दिया। सो अकाउंटेंट का मतलब मुनीम होता है ना। सो ठीक है, ऐसा मैं अभी हिंदी में तो कन्वर्ट करा है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, सारा टोटल प्लस माइनस ही तो करने वाला हूँ, सारा हिसाब ही तो रखने वाला हूँ, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, कहीं सोचो कि सर सीए करके भी बस इतना ही करना है, कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मतलब बेस है बात। सो जब इतना कुछ हमें करना है तो क्या प्लस माइनस करने सीखने आए हैं क्या? क्या सीए में इसलिए कर रहा हूँ प्लस माइनस सीख सकूँ कितना प्लस कितना माइनस? नहीं, मुझे वहां पर बहुत एडवांस लेवल का सीखना है। इलेवेंथ में मैं उसको समझूंगा प्रॉपर रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। यहाँ पे ना अकाउंटिंग की अपनी एक लैंग्वेज होती है। अकाउंट्स को हम कहते हैं अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। क्यों? यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ना, अभी मैं आपसे बोलता हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बताओ इसका क्या मतलब होता है? आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, ये कुछ बोल तो इंग्लिश सा ही रहे हो बट समझ में तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैं कोई दूसरी भाषा बोल रहा हूँ जो आपको नहीं समझ में आ रही। लैंग्वेज के साथ ऐसी होता है ना, मैं चाइनीज बोलने लग दूँ, चिंग चौंग कुंग कुंग करने लग दूँ तो नहीं समझ में आएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, अगर मैं अकाउंट्स में कुछ बोल रहा हूँ ना, आपको क्लियर नहीं हो रहा है। आपको कब क्लियर होगा? जब मैं आपको वो चीज सिखा दूंगा, लैंग्वेज आपको सिखा दूंगा। सो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज जिसमें हम बातचीत करते हैं, सीक्रेट बात करते हैं। सिर्फ कॉमर्स कॉमर्स स्टूडेंट समझ सकते हैं, साइंस वालों को वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। पता है जो मीम्स चलती हैं, जोक्स चलते हैं ना, बहुत सारे कॉमर्स के जोक्स चलते हैं, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स तो उस पर समझते हैं, उसको कमेंट करते हैं लास्ट समझते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट कहते हैं चल क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। सो वो वाली सिचुएशन, तो आपको ये सारे ना अभी मजा आएगा, बहुत अच्छे से इंटरटेनिंग तरीके से समझेंगे। क्लियर? अकाउंट्स का बेस क्लियर हुआ, अकाउंटिंग कहते किसको है, थ्योरी वगैरह वो सब कवर हो जाएगा बेस। अभी देखो मैंने आपके 11:30 मतलब रफली मैं बात करता हूँ, 11 मिनट्स दे दिए 30 सेकंड के कंसर्ट, और ये यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है। मैं अभी इसको जब आपसे क्वेश्चंस कराऊंगा, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, तब बहुत बार इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैंने इंट्रो दिया है, ठीक है? तो ऐसे हम पढ़ने वाले चीजों को कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से, बहुत इनडेप्थ मजे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है वाली बात? अकाउंट समझ में आया ना, कैसे कैसे क्या क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। अच्छा अकाउंट से मुझे फायदा क्या होगा? अभी तक मैं बुक पे नहीं आया, मैंने आपके सामने कुछ डिस्प्ले कराया क्या? बुक नहीं करी है ना मैंने, कोई एनिमेशन कोई वीडियो कुछ दिखाया क्या? नहीं दिखाया। बट नेक्स्ट वीडियो से जब हम बात करना शुरू करेंगे ना, सो वहां पे आपको क्या, आपके सामने ना कंटेंट आना शुरू होगा। मैं आपको स्क्रीन पे बुक्स वगैरह दिखाऊंगा, आपके जितने भी मतलब मैं आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी देखेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी करेंगे हम, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे ना बहुत कुछ एडवांस होने वाला है। अगर आपको देखना है ना किस तरह से रहता है, तो मेरी एक 12th क्लास की वीडियो है एनपीओ की, एनपीओ की फर्स्ट वीडियो है, एक बार उसको देखो, वहां पे देखो किस तरह से हम वीडियोज वगैरह देखेंगे। बाकी अभी पढ़ोगे तो एक दो दिन रुक जाओ, फिर आपको भी देखने को मिलेगा, ठीक है? सो ये तो अभी यूट्यूब पे है, बाकी की सारी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। एप्लीकेशन के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको परचेज करना पड़ेगा कोर्स को, तभी आपको सारा का सारा एक्सेस मिल पाएगा। बट एक चीज मैं आपको पूरी अच्छे से कह सकता हूँ, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज तक हर स्टूडेंट ने कहा है, और आप इस चीज को कहेंगे कि सर बेस पड़ गया, अभी सीए करने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो भी करना है आपको, सीए सीएम में जो भी करना है, डजंट मैटर, ठीक है? सो वहां पे हम बहुत इंटरटेनिंग तरीके से चीजों को बहुत इन डेप्थ समझेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं ऊपर से समझेंगे। क्लियर है वाली बात? सो एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करो, और ये जो है ना वीडियो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, स्पेशली फर्स्ट वीडियो जो है, सेकंड वीडियो तो तभी समझ में आएगी जब फर्स्ट वीडियो क्लियर होगी। फर्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, उनको समझाओ कि वो भी आपकी तरह समझदार बने, स्मार्ट बने, आपकी तरह सीरियस हो स्टडी के लिए। आप सीरियस हो तभी आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो, वरना क्या रहता है, 11th में सर अभी तो 10th करके आया ना, अभी तो बड़े हो गए, 10th तक की लाइफ कंप्लीट हुई है, थोड़ा रिलैक्स होने दो, अप्रैल का मंथ है, रिलैक्स होने दो, मई का मंथ है, रिलैक्स होने दो, फिर देखेंगे ना जुलाई सेप्टेम्बर, उसके बाद क्या होता है, इतना टाइम नहीं बचता, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है क्वालिटी में, बेस समझ में नहीं आया। मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी सारी स्टडी में कॉम्प्रोमाइज कर दो चलेगा, 11th में सबसे ज्यादा सीरियस होना चाहिए, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ज्यादा बेटर मिलेगा। जब मैं पढ़ाता हूँ एक ही कंटेंट में पूरे साल में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, और मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं जनरल एंट्री आपको 20 मिनट्स में भी सिखा सकता हूँ। कोई स्टूडेंट मेरे पास 1 मंथ पहले आ रहा है, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काफी सीख जाएगा, आराम से अच्छे नंबर ले आएगा 1 मंथ के अंदर। और एक तरफ मैं 12 मंथ पढ़ा रहा हूँ, एक तरफ मैं 1 मंथ पढ़ा रहा हूँ, दोनों में कुछ तो फर्क होगा ना। ऐसा सुना है कि मैं 12 मंथ में सिर्फ टाइम पास करूँ, नहीं, जितना लॉन्ग डिस्कशन अभी मैंने अकाउंटिंग का आपके साथ किया, कि इतना टाइम मैं 1 मंथ में दे पाऊंगा क्या? नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है। सो वहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बोल रहे, फिर क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं क्रैमिंग आनी शुरू हो जाती है, एक जो इनडेप्थ नॉलेज होती है ना वो खत्म हो जाती है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स को अपने तरह होशियार बनाओ, अपनी तरह समझदार बनाओ, सबके साथ शेयर करो, उनको कहो पढ़े लिखे,
अच्छे से पढ़ें, सीरियस हो जाए, जल्दी पढ़ना शुरू करें। टाइम वेस्ट करोगे, टाइम आपको वेस्ट करेगा। ये बहुत फेमस लाइन है जिसको मैं मान लूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कल से प्रॉपर और ज्यादा आगे की वीडियोस पढ़ना शुरू कर दे। बाय बाय।